प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में 16,961 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वर्चुअल लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीसी के माध्यम से उज्जैन के विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का वर्णन करते हुए उज्जैन के काल की गणना का इतिहास और विकास कार्यों के बारे में बताया। वहीं नगरपालिका के NULM के हितग्राहियों को डमी चेक प्रदान कर स्वच्छता में विजयी प्रतियोगियों को अतिथि विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश अटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, पूर्व विधायक पारस जैन, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी द्वारा पुरस्कृत किया गया। जय श्री महाकाल। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इस वैदिक घड़ी का लोकार्पण करने के लिए। ये जो हमारी वैदिक घड़ी है ये भारतीय कालगणना के सिद्धांत पर आधारित है जो कि 30 घंटे 30 मिनट 30 सेकंड का समय दिखाती है जिसको हम 30 मुहूर्त 30 काल 30 कास्था कहते थे। ये घड़ी सूर्य सिद्धांत पर आधारित है। जब भी इस घड़ी में शून्य बजेगा उस वक्त सूर्योदय हो रहा होगा। तो ये लोकल मीन टाइम और सोलर टाइम के आधार पे टेक्नोलॉजी पे बनी ये विश्व की पहली घड़ी है जो कि जब भी जितने भी 30 मुहूर्त है ये सूर्य के आधार पर ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं और हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज के आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस घड़ी को बनाया है जिससे जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी सूर्योदय को नहीं नाप पाती थी वो आज ये काम खत्म हो गया। अब से हम इसको नाप पाएंगे और हम पूरे विश्व को इसका फायदा भी पहुंचा पाएंगे। इसको मेंटेनेंस करने के लिए कैसा क्या रहेगा इसको जी? इसको यहाँ पे इसको मेंटेन करने के लिए हमने लोकल टाइम सर्वर बनाया है। तो ये डिजिटल माध्यम से घड़ी है तो ये पूरे विश्व में कहीं भी देखी जा सकती है और इसका मेंटेनेंस हम लोग खुद करेंगे और इसका मेंटेनेंस कुछ बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ये टेक्निकल माध्यम से किया जाएगा तो हम विश्व में कहीं पर भी हो इस घड़ी का संचालन कर सकते हैं। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।